हमीरपुर के जमली धाम में गाय गंगा गौरी और बेटी की सुरक्षा के लिए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से जमली धाम में इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। 14 मार्च से 18 मार्च तक प्रतिदिन गायत्री महायज्ञ किया जाएगा। गौरतलब है कि 18 मार्च प्रथम नवरात्रि के दिन महायज्ञ के दिन पूर्ण आहुति के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जमली धाम में 108 कन्याओं के सामूहिक पूजन किया जाएगा, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम के अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया ने बताया कि गाय गंगा गौरी और बेटी की सुरक्षा के लिए ठाकुर द्वारा गौशाला में समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है और 18 मार्च को 108 कन्याओं का सामूहिक पूजन किया जाएगा। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति की ओर से जमली में पिछले 18 वर्षों से गौ रक्षा की जा रही है। इस बार कमेटी ने निर्णय लिया गाय गंगा और गौरी, यानी गाय गंगा और बेटी को बचाने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए पहली बार गौशाला में 14 तारीख से लेकर 18 मार्च तक एक गायत्री महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 21 विद्वान ब्राह्मण लगातार पूजा अर्चना करेंगे और 18 मार्च को प्रातः इसकी पूर्णोति होगी। तदुपरांत 108 कन्या का सामूहिक पूजन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि उस दिन हिंदू संस्कृति का नया वर्ष शुरू हो रहा है और पहला नवरात्रा है। उसी दिन यहाँ पर हमारे माननीय सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी और हमारे क्षेत्र के विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनके कर कमलों द्वारा ही इस कार्यक्रम की पूर्णोति होगी। यज्ञ में इस मंडप में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा जो इस यज्ञ का यजमान होगा और इस यज्ञ में धोती धारण करके ही विशेष वस्त्रों के द्वारा ही इस पंडाल में उसको जाने की स्वीकृति मिलती है और वो सारा दिन उन्हीं विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं।